हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अर्षित दीदी। फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे खेड़ा सत्याग्रह के बारे में। 1918 में हुआ था फ्रेंड्स। इसके स्पिरिचुअल लीडर थे गांधी जी, और जो इनके मेन लीडर थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और भी बहुत से लोग थे जो मैं बताऊंगा आपको आगे। एक बात बताने से शुरू करने से पहले ये बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि ये वीडियो इंग्लिश में भी अवेलेबल है, तो अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है, इंग्लिश में देखना चाहते हैं इस वीडियो को, तो आप इंग्लिश में जाके भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो इंग्लिश वाली वीडियो है उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि खेड़ा सत्याग्रह क्या था फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए जो खेड़ा सत्याग्रह था, ऑब्वियस सी बात है ये गांधी जी की स्पिरिचुअल लीडरशिप के अंदर में हुआ था, और देखा जाए तो उनकी लीडरशिप के अंदर का ये तीसरा मेजर मूवमेंट था। इससे पहले दो और इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हुए थे, चंपारण सत्याग्रह जिसमें तीन कथिया सिस्टम के अगेंस्ट में वो चलाया था, और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक था जिसमें क्या था कि जो प्लेग बोनस को विड्रॉ कर लिया था गवर्नमेंट ने, तो उस विड्रॉल के अगेंस्ट में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी जिसमें गांधी जी ने बहुत मेन प्रोमिनेंट रोल प्ले किया था। तो चंपारण सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट इवेंट किया गांधी जी ने वो था ये खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया गांधी जी इस खेड़ा सत्याग्रह के स्पिरिचुअल हेड थे, और ग्राउंड लेवल पे कौन काम कर रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनके साथ कौन कौन थे ये नाम जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये नाम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में डायरेक्टली आपसे पूछे जा सकते हैं और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए भी जरूरी है। इंदुलाल याग्निक, शंकरलाल बंकेर, माधव महादेव, देसाई, नरहारी, पारिख, मोहनलाल, पंड्या, रविशंकर, व्यास, तो ये और लोग थे जो ग्राउंड लेवल पे खेड़ा सत्याग्रह को सक्सेसफुल बनाने में जिन्होंने एक बहुत मेजर रोल प्ले किया है। ठीक है, अब ये इनकी फोटोज है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सरदार जी अपने, ये श्री हरि प्रसाद देसाई, श्री जीवन लाल दीवान, श्री इंदुलाल याग्निक, श्री गणेश मावलंकर, श्री मोहनलाल पंड्या एंड अदर्स ड्यूरिंग खेड़ा सत्याग्रह। तो खेड़ा सत्याग्रह की जो पूरी भी टीम थी, इसकी फोटो है, उसी समय की फोटो है फ्रेंड्स, तो एक हिस्टोरिक कह सकते हो कि आप, एक ट्रेजर है हमारे इंडिया का ये। तो ये फोटो मुझे इंटरनेट से मिली थी तो मैंने यहाँ पे डाली है, फुल कॉपीराइट्स के साथ जो भी इसके राइटफुल ओनर हैं उनको वो देते हुए। ठीक है, अब देखिए खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में हुआ। ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना कि कहाँ हुआ, गुजरात में हुआ, और गुजरात में भी याद रखिए कि भाई ये जो पीजेंट पाटीदार कम्युनिटी थी ना, इसका मेजर रोल था इस खेड़ा सत्याग्रह में। यानी खेड़ा नाम की जगह थी, वहां पे जो मेजर डोमिनेंट कम्युनिटी थी वो थी वहां की पाटीदार कम्युनिटी, जो पीजेंट कम्युनिटी थी वहां की, उन में ही ये प्रोमिनेंट था। और आगे मैं बताऊंगा कि कैसे इसको गुजराती स्ट्रगल ही रखा गया, इसको नेशनलिस्ट कलरिंग नहीं दी गई। उसके बाद जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, अब देखते हैं कि कैसे हुआ क्या हुआ। देखिए बैकग्राउंड को भी थोड़ा बहुत चेक करते हैं। देखिए बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने क्या हुआ, 1917-18 के टाइम पे जो यू नो टैक्सेस थे, लैंड रेवेन्यू टैक्सेस को 23% से बढ़ा दिया, 23% का इंक्रीज कर दिया उसमें। उसके बाद हुआ ये कि 1918 में एक सीवियर एपिडेमिक ऑफ प्लेग भी आया था, यानी एक बीमारी सी फैल गई थी। उस समय देखिए हाइजेनिक कुछ था नहीं यार, सब अनहाइजेनिक था, लोगों को ढंग से खाना भी नहीं मिलता था, ऊपर से हेल्थ फैसिलिटीज़ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ करती नहीं थी, तो ऑब्वियसली बात है बीमारियां तो फैलनी ही थी। तो प्लेग फैला था और उस प्लेग के चलते बहुत सारे लोगों की जानें चली गई, लगभग 70,000 लोग ख़त्म हो गए। फिर कॉलेरा भी फट गया, कॉलेरा भी फैलने लगा, प्लेग तो वैसे ही परेशान थे, कॉलेरा भी फैल गया, लोगों बड़े भारी मात्रा में मरने लगे। ठीक है, तो सबसे खास बात ये थी फ्रेंड्स कि जो ये एकदम से जो ब्रेकआउट हुआ ना इस खेड़ा सत्याग्रह का, उसका जो इमीडिएट रीजन था वो ये था, कोलेरा ब्रोकआउट एंड प्लेग ब्रोकआउट, और इसके से बहुत सारे जाने जाने लगे, तो ये तो था इसका इमीडिएट रीजन। बट वैसे क्या रीजन था, वैसे जो मेन रीजन था कि ये रिवॉल्ट था भैया टैक्सेस के अगेंस्ट में। क्योंकि देखिए अगर प्लेग कोलेरा भी फैल रहा है और लोगों के पास अगर पैसा है, तो फिर कुछ भी करके लोग थोड़ा बहुत अपने नुकसान को कम कर सकते हैं, दवाइयां ले सकते हैं, इस तरीके से अपनी कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। दवाइयां तो थी उस टाइम पे, लोग बस खरीदने के पैसे नहीं थे। एक गरीब किसान जिसके पास खाने का पैसा नहीं, वो दवाई कहाँ से खरीदेगा, उसके पास पैसा ही नहीं था। तो अगर एक बार को ये टैक्सेस नहीं बढ़ाए जाते, थोड़े कम रखे जाते, तो लोगों के पास फिर भी थोड़ा बहुत पैसा होता। टैक्स को इतना बढ़ा दिया, 23% से टैक्स हाइक कौन करता है भाई, आज आप सोचिए आज की डेट में। ठीक है, अगर आप मान लीजिए सरकार को 20%, बस एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ, ठीक है, 20% टैक्स दे रहा हूँ, एकदम से सरकार बोले कि भैया अब हम 43% टैक्स लेंगे, तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, क्या मजाक चल रहा है भाई। उस समय भी यही हुआ कि टैक्स को ही 23% बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो मेन रीजन था कि टैक्सेस के अगेंस्ट था ये रिजल्ट, और जो इमीडिएट ब्रेकआउट हुआ था वो क्यों हुआ था कि भाई प्लेग फैल गया था, कोलेरा फैल गया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं और भी कुछ रीजंस थे इसके, और रीजंस ये थे कि भैया देखो शपानिया अकाल आया था 1899 से 1900 में। शपानिया अकाल पे मैंने पूरी अलग से एक वीडियो बनाई है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस रीजन को भी शपानिया अकाल ने बहुत इफेक्ट किया था। शपानिया अकाल की वीडियो को आप जाके मेरी हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, कोशिश करूंगा मुझे याद रहा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी डाल दूंगा। ठीक है, तो उसके आफ्टर इफेक्ट से अभी भी ये रीजन उभर नहीं पाया था। ठीक है ना, उसकी तबाही अभी भी बरकरार थी लोगों में। ठीक है ना, और
और भी बहुत सारे ऐसे फैमिन्स हो रहे थे, ऊपर से सरकार टैक्स पे टैक्स बढ़ाई चली जा रही थी, तो जो किसान था ना, जो पीजेंट कम्युनिटी थी ना, वो धंसती ही गई पॉवर्टी में, धंसती गई। अब आप सोचिए फ्रेंड्स, इंडिया के लोगों के पास केवल एग्रीकल्चर ही रह गया था जिससे वो अपनी कमाई करते थे, क्योंकि हमारी ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को तो वैसे भी अंग्रेजों ने तबाह कर दिया था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को तबाह कर दिया था। लोगों के पास बचा क्या था? जो टेक्सटाइल वीवर्स थे वो भी जाके एग्रीकल्चर में घुस गए, तो उनके पास कुछ काम ही नहीं था, और एग्रीकल्चर में कस के टैक्स ले रही थी ब्रिटिश सरकार, ठीक है। तो पॉवर्टी में धंसते ही गए, फैमिन्स की वजह से बहुत सारे अकाल, टैक्सेस बढ़ाते गए, ठीक है, पॉवर्टी बढ़ती गई, ऊपर से मनी लेंडर्स और ये जागीरदार जोतेदार सब खून चूसे पड़े थे किसान का, ठीक है। फिर प्लेग और कोलेरा का बैकग्राउंड आ गया, 23% टैक्स हाइक हो गया, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी अपने उनके कलीग्स जो कि नरहारी पारिख थे, मोहनलाल पंड्या थे और रविशंकर व्यास थे, इन्होंने मिलकर ये मेजर टैक्स रिवॉल्ट को ऑर्गेनाइज किया, और इसके चलते उस रीजन यानी खेड़ा रीजन के सारे कास्ट और क्रीड्स को उन्होंने मोबालाइज किया, जो कि मेजॉरिटी ऑफ पीजेंट कम्युनिटी थी, ज़्यादातर वो पीजेंट थे और वहाँ पर मेजॉरिटी में पाटीदार कम्युनिटी ही थी, तो सबको मोबालाइज किया। उन पीजेंट्स ने क्या कहा, एक पिटीशन साइड किया और उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि हम अपना लीडर सरदार पटेल जी को मानेंगे और हम एक रिवॉल्ट करेंगे या फिर एक मूवमेंट करेंगे जिसमें हम बोलेंगे कि भैया इस टैक्स को खत्म करो। और उस रिवॉल्ट को ऑर्गेनाइज किसने किया था? गुजरात सभा। तो देखिए ऑफिशियली इस मूवमेंट को किसने ऑर्गेनाइज किया? गुजरात सभा ने, इसको याद रखिएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि ये टैक्स डिस्प्यूटेड है, बट फिलहाल के लिए यही सही है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद जो खेड़ा के पीजेंट्स थे उन्होंने एक पिटीशन साइन किया और बोला कि भैया इस साल का जो टैक्स है ना उसको आप स्क्रैप करिए, हटा दीजिए, क्योंकि फैमिन आ गया है तो हमारी कुछ फसल हुई नहीं तो हम टैक्स नहीं दे पाएंगे, तो इस साल के टैक्स को तो पूरा हटाइए। ऐसा लोगों ने पटिशन साइन करके ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास भेजा, जो उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी गवर्नर थे उनके पास ये चीज़ गई। बॉम्बे प्रेसिडेंट की गवर्नमेंट ने कहा कि भैया ये चार्टर हम नहीं मानेंगे, टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा। और उन्होंने बोला कि अगर इन पीजेंट्स ने टैक्स नहीं दिया, इन किसानों ने टैक्स नहीं दिया, धमकी दी, तो उनकी लैंड को, उनकी प्रॉपर्टी को ज़बरदस्ती हथिया लिया जाएगा, कन्फिस्केट कर लिया जाएगा, ठीक है ना। और अगर वो उनको कन्फिस्केट कर लिया तो कन्फिस्केट करने के बाद ये प्रॉपर्टीज जिन लोगों से कन्फिस्केट की गई है उनको वापस नहीं की जाएगी। अगर कन्फिस्केट होने के बाद वो हमारी शर्तों को मान भी लेते हैं वो लोग, तब भी हम उनकी प्रॉपर्टी को वापस नहीं करेंगे और उनका ऑक्शन कर देंगे। इस धमकी के बावजूद भी कोई भी विलेज ब्रिटिश सरकार से नहीं डरा और उन्होंने पूरा सपोर्ट दिया इस मूवमेंट को। लीडर कौन थे? वैसे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, लेकिन स्पिरिचुअल लीडर थे इसके गांधी जी, ग्राउंड लेवल पर वर्क वो कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जब टैक्स नहीं भरा ना लोगों ने, पीजेंट्स ने, ठीक है, तो क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने अपने कलेक्टर्स और इंस्पेक्टर्स को, मतलब कुछ थग्स अपॉइंट किए, गुंडे टाइप के अपॉइंट किए, उनसे बोला कि जाओ प्रॉपर्टी सीज कर लो, कैटल सीज कर लो, जो भी लोगों के पास लैंड है, एग्रेरियन प्रॉपर्टी, सब उनसे छीन लो, कन्फिस्केट कर लो, ठीक है। और अगर ऑब्वियसली बात है कि यू नो सीधे जाके उनके पास क्या चीज़ थी, देखो किसानों के पास एक ही चीज़ थी, वो थी ज़मीन, ठीक है। और स्टेट ने बोला, ब्रिटिश सरकार ने बोला कि ज़मीन पे हमको दो टैक्स, और अगर टैक्स नहीं दे पाएंगे तो ब्रिटिश सरकार ने कहा कि हम आपकी ज़मीन लेंगे हड़क, ठीक है ना। उसके बाद जब अरेस्ट करने के लिए ऑफिसर्स आए ना, तो किसानों ने अपने आप को अरेस्ट करने से मना नहीं किया, उन्होंने अपने आप को, मतलब अरेस्ट को भी कोर्ट किया ना, तो उन्होंने खुशी से अरेस्ट हुए, ठीक है ना। और उसके बाद उन्होंने वॉयलेंस के साथ रिटेलिएट नहीं किया था, क्योंकि देखिए गांधी जी का बहुत बड़ा प्रिंसिपल था, स्पिरिचुअल हेड है गांधी जी, तो वॉयलेंस तो कहीं से आ ही नहीं सकता, हर चीज़ नॉन वॉयलेंस पे होनी थी, ये पहले ही तय था। तो जो फोर्स एम्प्लॉय के साथ थग्स को बेचा गया है ज़बरदस्ती प्रॉपर्टी और कैटल को सीज करने के लिए, तो ऑब्वियस बात है अगर उसके बदले में अगर आप लड़ाई झगड़ा करने लगेंगे तो फिर वो वायलेंट हो जाएगा। लेकिन जो भी लोग इस प्रोटेस्ट मूवमेंट में थे उन्होंने वॉयलेंस से रिटेलिएट नहीं किया। उसके बाद लोगों ने क्या किया, जो उनके पास पैसा पड़ा था, वैल्यूबल्स पड़े थे, वो गुजरात सभा को डोनेट करे, क्योंकि गुजरात सभा ही ऑफिशियली इस मूवमेंट को चला रहा था। डिसिप्लिन और यूनिटी बहुत ज्यादा पाई गई इस मूवमेंट में फ्रेंड्स। लोगों ने यू नो क्या आप समझ सकते हो कि उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी छीन ली गई, लैंड छीन लिया गया, उनके कैटल छीन लिए गए, जो उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी वही छीन ली गई, लेकिन उसके बावजूद भी खेड़ा के किसान पटेल जी के पीछे खड़े रहे, उनके सपोर्ट में, वो ब्रिटिशर्स से दबे नहीं। सोचिए अगर आज की डेट में आपकी कोई जमीन छीन ले, आप कितना बिलबिलाने लगोगे, तड़प जाओगे। उस समय पे लोगों की ज़मीनें छीन लेगी, कैटल छीन लेगी, लेकिन तब भी वो स्टेडफास्ट थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की लीडरशिप के पीछे। फिर क्या हुआ भाई कि भाई जो कुछ ऐसे गुजराती थे जो बहुत अमीर थे, जो सिंपैथेटिक थे, जो बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि नहीं भाई ये जो कुछ भी हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, ठीक है ना, तो उन्होंने कहा कि भाई ये गवर्नमेंट मशीनरी जो कुछ भी कर रही है वो सही नहीं कर रही है। और उन्होंने क्या किया कि जो प्रोटेस्ट कर रहे थे ना पीजेंट्स, इनकी थोड़ी थोड़ी मदद की, उनकी प्रॉपर्टी को बचाने में मदद करने लगी, इनके रिलेटिव जिसको सरकार अरेस्ट कर रही थी उनको अपने यहाँ शेल्टर दी, उनको बचाया सरकार से, तो उस तरीके से बहुत सारे गुजराती मदद भी करने लगे, ठीक है ना।
उसके बाद वो इंडियंस, अब आपने प्रॉपर्टी कन्फिस्केट की किसी की सरकार ने, तो अब सरकार उस प्रॉपर्टी का यू नो कुछ करेगी तो है नहीं, उसको तो उसमें से कुछ ना कुछ पैसा चाहिए, तो वो क्या करेगी, वो प्रॉपर्टी किसी और को बेचेगी। तो उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए जो इंडियंस आगे आए उनको सोसाइटी से एक्सक्लूड करने की बात करने लगे, लोग उनको बॉयकॉट करने लगे, उनसे अलग हटाने लगे, उनको क्रिटिसाइज करने लगे, यानी कन्फिस्केट लैंड किए ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटिशर्स ने लैंड लेने के बाद किसी और को बेचने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने बेचने की कोशिश की तो उतनी आसानी से बेच नहीं पाए, क्योंकि जो लोग खरीद रहे थे उनको ही सोसाइटी ने बहिष्कृत कर दिया, हटा दिया। उसके बाद बहुत सारे अलग अलग देश के पार्टों में कई नेशनल्स ने कहा कि इस तरीके के रिवॉर्ड्स देश के अलग भाग में भी होने चाहिए, लेकिन गांधी जी और पटेल जी एक चीज़ पर डटे हुए थे कि इस आइडिया को रिजेक्ट करो, इसको केवल एक प्योर गुजराती स्ट्रगल बनाएंगे, इस तरीके के मूवमेंट्स हम बाकी जगह पर नहीं, मतलब ये एक तरीके का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट नहीं था, उसको खेड़ा तक ही लिमिटेड रखा गया, इसलिए इस तरीके के रिवॉर्ड्स किसी दूसरी जगह पर हों इस चीज़ का गांधी जी और पटेल जी ने समर्थन नहीं किया। अब इसका आउटकम क्या हुआ खेड़ा सत्याग्रह, देखिए गवर्नमेंट ने फाइनली बोला कि भाई ऐसे तो कुछ निकल नहीं पा रहा, एक ऑनरेबल एग्रीमेंट साइन किया, ठीक है ना, उस ऑनरेबल एग्रीमेंट में क्या किया कि भैया इस साल का ऑब्वियसली बात बोला गया टैक्स स्क्रैप किया जाए, गवर्नमेंट ने मान लिया कि भाई ठीक है इस साल आपको टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है और अगले साल का भी टैक्स आपको देने की जरूरत नहीं है, और जो भैया रेट बढ़ाया गया है ना टैक्स का उसको रिड्यूस किया जाएगा और जितनी भी प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट किया गया उसको वापस किया जाएगा। जो रिच पार्टीदार पीजेंट कम्युनिटी थी वो टैक्स भरेगी, लेकिन जो पुअर पार्टीदार पीजेंट कम्युनिटी है वो टैक्स बढ़ेगी नहीं। उसके बाद जो लैंड कन्फिस्केट किया गया पूरा एफर्ट लगाया गया कि कन्फिस्केटेड लैंड को जिनसे कन्फिस्केट किया गया था उनको वापस किया जा सके, ठीक है। अब हुआ यार कि कन्फिस्केट करने के बाद कुछ लैंड बिक गया, तो उस बिके हुए लैंड को जो ब्रिटिशर्स ने कहा कि भाई ये हम वापस नहीं करेंगे क्योंकि ये हम बेच चुके हैं, ठीक है ना, लेकिन उनको भी जिन्होंने खरीदा था उस लैंड को उन पर भी प्रेशर डाला गया कि भाई जिस का ये ओरिजिनली लैंड है आप उसको वापस करिए, लेकिन ब्रिटिशर्स ने बोल दिया कि अगर हमने लैंड कन्फिस्केट किया और किसी और को बेच दिया तो हम उससे वापस नहीं लेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी जिसने खरीदा था उन पर प्रेशर बनाया गया कि भाई आप इनके राउटफुल जो इस लैंड के ओरिजिनल ओनर्स हैं आप उनको इस लैंड को वापस कर दीजिए, अपने पास मत रखिए, ये आपका नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स इसका, तो देखिए एक तरीके से देखा जाए तो खेड़ा सत्याग्रह एक बहुत बड़ी सक्सेस थी। महात्मा गांधी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका वो है कि भैया ये आप समझ सकते हैं 1918 के दौरान हो रहा है, लगभग दो साल बाद 1921 में मदुरई में जो महात्मा गांधी जी का नॉर्मल अटायर था ना वो उन्होंने छोड़ दिया और अब उन्होंने केवल एक शॉल और एक लॉयन क्लॉथ पहनना शुरू किया। वो पहले काठियावाड़ी टर्बन पहनते थे, उन्होंने इस टर्बन को भी छोड़ दिया और अपने आप को बेयर हेडेड कर लिया, यानी अपने बाल भी उन्होंने घुटा लिए और अब वो मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा बनने की तरफ अग्रसर हुए। यानी खेड़ा सत्याग्रह इस चीज़ के लिए माना जाता है कि इस सत्याग्रह के बाद गांधी जी की खुद की पर्सनालिटी में भी बहुत चेंज आया। अपने नॉर्मल एक वो लॉयर थे, बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, लेकिन अब उन्होंने अपना नॉर्मल अटायर छोड़ के एक लॉन क्लॉथ शॉल में आ गए, अपनी पगड़ी छोड़ी, बिल्कुल अपने आप को गंजा कर लिया और अब वो महात्मा बनने के रास्ते पे थे और आगे जाने वाले टाइम में वो हमारे देश को आज़ादी की तरफ लेके जाएंगे, ये हम देखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो ये था खेड़ा सत्याग्रह, पूरा डिटेल में आपको बता दिया फ्रेंड्स, कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करके जाइएगा फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करके जाइएगा, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोज़ को शेयर करें। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।